अबे जल्दी चलना यार, इतना आहिस्ता आहिस्ता क्यों चल रहा है? सब लोग आ गए होंगे वहाँ पर। मालूम है यार, सब लोग आए होंगे। फिर से सब लोग यही बोलेंगे कि हम हमेशा लेट आते हैं। चल ऐसा करते हैं कि शेरू गली पकड़ करके शॉर्टकट मार लेते हैं। तू शेरू गली छोड़ यार, आज मुझे तो वो दिखा। क्या? अरे वही यार। क्या? अरे वो हीरोइन का बंगला। कौन सी हीरोइन? अरे वही रंजना यार, तुझे तो मालूम है ना वो कहाँ रहती है। हाँ मालूम है, लेकिन अरे लेकिन क्या मालूम है ना तुझे वो कहाँ रहती है? अरे उसके घर के बाहर से जाएंगे यार, उसके घर के अंदर थोड़ी ना जाना है हमें। हाँ बेटा, तुम्हें वो घर के अंदर बुला के चाय पिलाएगी। अबे उसके घर के बाहर दो पुलिस वाले खड़े हैं। क्यों? अबे ये जो फिल्म की हीरोइन रंजना है ना, हाँ, उसकी फिल्म के प्रोड्यूसर और उसके बीच में टेंशन हो गई है, और प्रोड्यूसर ने उसको धमकी दी है, और इसीलिए उसने पुलिस प्रोटेक्शन ले लिया। तो मतलब हम वहाँ से नहीं जा सकते? नहीं जा सकते हैं। ऐसा करते हैं कि हम यहाँ से लेफ्ट मार लेते हैं, मैं तुझे दूर से दिखा दूंगा। और देख वहाँ पे कुछ बोलियो मत, चल चल। अबे देख मत उधर, चल चुपचाप निकल ले, चल जल्दी आ जा। अरे ये क्या हुआ? शायद बम फट गया। तू इधर ही ठहर, मैं देख के आता हूँ। हे भगवान, चलो चलो पीछे जाओ, पीछे पीछे चलो, पीछे जाओ। कुछ नहीं बचा है ना, पूरा चेहरा उड़ गया है, सिर्फ एक आंख दिख रही है, सब कुछ उड़ गया है। देखा तुमने? सर नाक की जगह सिर्फ दो छेद हैं, पूरा चेहरा उड़ गया सर। बॉम्ब फटते ही मर गया होगा, दोनों हाथ उड़ गए, हाथ में ही पड़ गया। ये बॉम्ब लेके जा कहाँ रहा होगा? शायद किसी को मारने जा रहा था, या फिर बॉम्ब कहीं फेंकने जा रहा होगा। सर हाँ फ्रेडरिक, ये एक उंगली मिली है सर। उंगली मिली है, वो भी जली हुई, फिंगरप्रिंट्स भी नहीं ले सकते। गुड इवनिंग सर। आगे जाओ। क्या गुड इवनिंग, क्या मुसीबत शुरू हो गई है? सड़क पे बम फटने लगे हैं, ज्यादा नुकसान तो नहीं हुआ है? नहीं सर, सिर्फ ये एक आदमी मर गया है जो बम लेके जा रहा था। सर ज्यादा बड़ा नहीं था बम, सिर्फ एक दो आदमी को मारने के लिए बनाया गया होगा। मतलब शहर में हंगामा मचाने के लिए? नहीं नहीं, ऐसे लगता तो नहीं है सर। सर ये चमड़े का टुकड़ा जला हुआ है सर, पता नहीं किस चीज का हिस्सा है। जरा इसका चेहरा दिखाओ। मम्मी वो एक आदमी मरा है, उसका चेहरा भी नहीं है। तू 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 वहां पे मत देख, तू आगे देख। देखो चाहे एक आदमी मरा हो, पर एक बात वहीं की वहीं है कि ये आदमी बम लेकर कहीं जा रहा था, तो किसी को मारने जा रहा होगा। वो ठीक है सर, मगर सबसे पहले हमें यह पता लगाना चाहिए कि यह आदमी है कौन। वो लेदर का पीस मिला है ना, उससे क्या होगा? क्यों, वो तुम्हारा सालुंके है ना, वो कुछ बताएगा। हाँ वो तो ठीक है, सालुंके तो है ही। तुम कहां पे खड़े थे? सर मेरी ड्यूटी फिल्म एक्ट्रेस रंजना के बंगले के बाहर है सर। सर कहीं आदमी वही तो नहीं जा रहा था? शायद ये जाकर वहीं पे बॉम्ब फेंकने वाला था, लेकिन बॉम्ब जैसे ही उसने अपने बैग से निकाला उसके हाथ में ही पड़ गया। एक काम करते हैं, चलो रंजना के घर चलते हैं। वो बॉम्ब अगर मेरे मुंह पे फट जाता तो क्या होता? मैं तो इस बारे में सोचकर ही मरी जा रही हूं। मेरे तो सिर्फ एक ही आग्रह जाती, न जाने मैं बच भी पाती या नहीं। मैंने सुना कि उस आदमी के दोनों हाथ उड़ गए। जी हाँ। ओह गॉड, माना कि मेरे और प्रोड्यूसर के बीच थोड़ी बहुत टेंशन चल रही है, मगर इसका मतलब ये तो नहीं। हाँ मैंने एक बार उन्हें डायरेक्टर से बोलते हुए सुना था, जी करता है इस हीरोइन को बम से उड़ा दूं। आप कब से जानती हैं उनको? यही कोई 8 महीने से। तब तो आप अब अच्छी तरह से जान गई होंगी उन्हें। जी हाँ। क्या आपको लगता है वाकई वो ऐसा करेगा? आई फ्रेंकली टेल यू, मुझे ऐसा लगता तो नहीं, मगर ना जाने कभी कभी उन्हें क्या हो जाता है, इतने वायलेंट हो जाते हैं कि पूछो मत। क्या क्या करते क्या है वो उस समय? कुछ भी,
एक बार तो उन्होंने सामने रखी हुई टी शर्ट उठा के फोड़ दी और दूसरी बार यूनिट के एक आदमी को जोर से थप्पड़ मारा। कुछ भी कर सकते हैं वो। अरे वो हीरोइन का मेकअप खराब है यार, डायरेक्टर कपड़े फाड़ रहे हैं वहाँ पे। अरे कैमरे के सामने क्यों खड़े हो गए भाई? अरे विजिटर्स को अंदर कौन आने दे रहा है यार? इस सेट का बस यही प्रॉब्लम है, कोई भी चलाता है। अब कल ही देखो 8-10 लोग मेरा ऑटोग्राफ लेने के लिए चले आए। अरे कोई किसी को वहाँ खड़ा क्यों नहीं करता है लोगों को रोकने के लिए? देखिए हमें प्रोड्यूसर साहब से मिलना है। प्रोड्यूसर साहब से मिलना है तो क्या यहाँ चला आने का? अरे यहाँ शूट चल रहा है, शूट। एक एक शॉट के लिए इतना सोचना पड़ता है कि ठीक है वी आर सॉरी, किसी ने बोला प्रोड्यूसर साहब यहाँ इसलिए इधर आ गए, वरना प्रोड्यूसर साहब यहाँ पर थे, अब चले गए हैं, घर चले गए। ठीक है बाय द वे आप प्रोड्यूसर से क्यों मिलना चाहते हैं और आप लोग हैं कौन? हम लोग CID से हैं। जी प्रोड्यूसर साहब अपने घर पर हैं। CID का अचानक क्या काम आ पड़ा यहाँ पर? हमें प्रोड्यूसर साहब से मिलना है। उनसे मिलना है तो स्टूडियो पे जाकर मिलिए ना, यहाँ घर पर क्यों घुसे आ रहे हैं आप लोग? वो स्टूडियो में नहीं है, वो वहां से निकल गए हैं और वो यहाँ आए हैं घर में। आप कौन है? How insulting. विपिन कुमार के घर पर उनकी पत्नी मिलेगी ना, और तो कोई नहीं ना। हमें जल्दी से जल्दी विपिन कुमार से बात करनी है। उस हीरोइन ने फिर कान भर दिए पुलिस के? इस बार क्या कहा उसने? अब किस बात का डर है उसे? नहीं इस बार तो वो कुछ बोल ही नहीं सकी, उसके घर के पास एक बॉम्ब फट गया है। और आप सीधा यहाँ चले और कुछ है? एक्स्क्यूज मी क्या कर रही हैं आप? मैं अंदर देखने की कोशिश कर रही थी कि आपके पति कहाँ छुपे हुए हैं। छुपे हुए नहीं है, उन्हें छुपने की क्या जरूरत है? वो घर पर नहीं है। मगर स्टूडियो में तो वो कहकर गए कि मैं घर जा रहा हूँ। हाँ वो आए थे यहाँ पर, फिर जल्दी जल्दी में अपना कुछ सामान उठाया और निकल गए। मगर वो गए कहाँ? ये तो पता नहीं, बता कर नहीं गए। अच्छा घर की तलाशी लो, शायद वो अंदर ही कहीं हो। एक मिनट रुकिए, नहीं रुकिए, तलाशी नहीं लेने दूंगी मैं आपको। मैंने कहा ना आपसे वो घर पर नहीं है, इसका मतलब वो नहीं है। सूटकेस उठा कर कहीं निकल गए। इतनी जल्दी उन्होंने सूटकेस तैयार कर लिया? कहीं उन्हें पता तो नहीं चल गया कि हम उन्हें ढूंढ रहे? अच्छा जैसे ही वो यहाँ आए सूटकेस उठाकर चले गए। जी मतलब सूटकेस पहले से ही तैयार था, सूटकेस आपने पैक किया है? मतलब आपको मालूम था कि वो यहां से कहीं बाहर जाने वाले थे हा? मतलब आप भी इसमें मिली हुई है। सात दिन हो गए आज, पूरे 7 दिन, और अभी तक वो बॉम्ब का चक्कर समझ में नहीं आ रहा है। हाँ सर समझ में नहीं आ रहा है कि वो बॉम्ब वाला जा कहां रहा था। एक तो वो मर गया अपने आप ही, अगर वो जिंदा होता तो उससे ही कुछ पता चल जाता। हाँ अगर वो जिंदा होता तो वो भाग जाता ना, हमारे हाथ ही नहीं आता। अभी कम से कम हमारे पास उसकी डेड बॉडी तो है। सर वो प्रोड्यूसर की वाइफ भी कुछ बोल नहीं रही है, इतना सब मालूम होते हुए भी चुप है। हमारे हाथ बंधे हुए सर, कुछ कर भी नहीं सकते। देखो उस एक्ट्रेस रंजना के घर के बाहर एक कांस्टेबल खड़ा था, अब उसके वहां रहते हुए कोई बॉम्ब फेंकने की हिम्मत कैसे कर सकता है? और अगर बंगले के बाहर कोई बॉम्ब फेंकता तो कांस्टेबल मरता ना, रंजना तो नहीं। तो प्रोड्यूसर ने उस बॉम्ब वाले को वहां भेजा होगा, ये बात मानना जरा मुश्किल है। फिर भी सर वो प्रोड्यूसर अचानक अपना सूटकेस उठा के वहां से भाग गया है, उसे इसी टाइम जाने की क्या जरूरत थी? न जाने कहां जाके छुपा है वो। मेरे हस्बैंड विपिन कुमार कहीं छिपे हुए नहीं है, सुन रहे ना आप लोग, वो कहीं छिपे हुए नहीं है, वो इंडिया से बाहर गए हुए हैं किसी काम से। ये बात आपने पुलिस को पहले क्यों नहीं बताई? वो लोग उन्हें जगह जगह ढूंढ रहे हैं। अरे वो उन्हें फंसाना चाहते हैं, इसलिए मैंने नहीं बताया उन्हें, और मैं अपने पति से बात किए बगैर उन्हें कुछ नहीं बताना चाहती थी। इसका मतलब है अब आपकी बात विपिन कुमार जी के साथ हो चुकी है? तो अब कहाँ है वो? ये मैं इस वक्त आपको नहीं बता सकती। वो कब गए थे बाहर? 16 तारीख को। उसी दिन जिस दिन CID वाले आपके घर पे आए थे। अरे क्या हो रहा है? What's going on, please? क्या हो रहा है ये सब? अरे ठीक से खड़े भी नहीं रह सकते? क्या करूं, पीछे से धक्का ले रहे हैं। शांत हो जाइए, इट्स ओके, अ वेरी सीरियस मैटर। पूछिए
कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके पति सीआईडी के डर से भाग गए हो? क्या कह रहे हैं आप? मेरे पति कहीं भागे नहीं है, सुन रहे ना आप लोग, कहीं भागे नहीं है वो। अरे वो क्यों भागे भला? सीआईडी वाले उन्हें फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। उनका प्रोग्राम पहले से ही तय था, उनकी टिकट पहले से ही बुक हुई थी, पहले से ही। ये जरूर कोई चाल है सर, अगर उसने कुछ किया ही नहीं है तो कहीं बाहर जाके छुपा क्यों है वो? और अगर बाहर गया तो फोन पे बात कर सकता है ना, फोन पे भी नहीं मिल रहा है, इसका मतलब साफ है कि इस बम के चक्कर में उसका हाथ है। अब हमारे पास तो सिर्फ ये बचा है, ये बॉम्ब वाले का फोटो। फोटो भी क्या है, सिर्फ एक आंख दिख रही है बस, और दूसरा ये जला हुआ लेदर का टुकड़ा। हमें सिर्फ इन दो चीजों से पूरा केस सॉल्व करना पड़ेगा। हेलो सीआईडी ब्यूरो, क्या? ओह माय गॉड, ठीक है हम लोग पहुंचते हैं वहां पे। एक और बुरी खबर है। अब और क्या बुरी खबर हो सकती है? एक और बॉम्ब फटा है सर। बिल्कुल वैसे ही, उसमें एक आदमी मरा था, इसमें दो आदमी मरे। वैसे ही दोनों के हाथ उड़ गए, चेहरे के चिथड़े उड़ गए सर। मगर सर ऐसा हो कैसे रहा है, सिर्फ हाथ और मुंह ही क्यों उड़ रहे हैं? देखो दया, एक बॉम्ब इनके हाथ में होगा और दूसरे जब बॉम्ब फटा तब ये बॉम्ब को देख रहे होंगे, या तो ये बॉम्ब किसी चीज में रख रहे होंगे या निकाल रहे होंगे। सर, सर इस आदमी के शर्ट पे टेलर का लेबल लगा है, रॉयल टेलर्स। मतलब चांस है, अगर ये रॉयल टेलर इसी शहर का हुआ तो शायद मिल सकता है। ढूंढो इस रॉयल टेलर को। पहला ब्लास्ट जो हीरोइन के घर के सामने हुआ उसका इस ब्लास्ट से क्या संबंध हो सकता है? हाँ, क्या संबंध हो सकता है? अभिजीत एक काम करो, आशा से कहो कि वो प्रोड्यूसर के घर के बाहर छुप के खड़ी रहे, और अगर प्रोड्यूसर की वाइफ कहीं जाती है तो उससे कहो कि वो उसका पीछा करे। सर, सर प्रोड्यूसर साहब की वाइफ मोहिनी अचानक कहीं घर से निकली और गाड़ी में बैठकर कहीं चल पड़ी है। इसका मतलब है वो किसी से मिलने जा रही है, किसी ऐसे आदमी से या औरत से जिससे वो फोन पर बात नहीं कर सकती, समझी? जी हाँ सर। तुम उसका पीछा करते रहना। ओके, अभिजीत वो टेलर का क्या हुआ? सर रॉयल टेलर नाम की अब तक 6 दुकानें मिली हैं सर, मगर किसी ने शर्ट पहचानी नहीं। सर अंधेरी, कांदीवली, मलाट, गोरेगांव सब चेक कर लिया है, अब जू की तरफ बढ़ रहे हैं हम लोग। उधर आशा की भी लॉटरी लग गई है, वो प्रोड्यूसर की वाइफ अचानक कहीं निकल पड़ी है घर से, आशा उसके पीछे लगी हुई है। सर, सर उसकी गाड़ी स्लो हो रही है, पार्क करिए सर। सर गाड़ी पार्क कर दी उसने। सर गाड़ी से वो उतर रही है सर, मोबाइल पे किसी से बात भी करी है। सर मैं आगे से यू टर्न लेके दूसरी तरफ जाके खड़ी हो जाती हूँ। जी सर। सर वो गाड़ी से नीचे उतरी है। सर और सर वो एक दूसरी गाड़ी की तरफ जा रही है। जी हाँ सर। ओ गॉड, आई डोंट बिलीव। सर वो उस दूसरी गाड़ी में जाकर बैठ गई, गाड़ी वहीं खड़ी है सर। सर गाड़ी के अंदर शायद कोई है। एक्सक्यूज मी जी, ये शर्ट तो काफी फटी हुई है, क्या रिपेयर करवानी है? नहीं, रिपेयर नहीं करानी है। जरा ये देखिए, ये लेबल, ये तुम्हारी दुकान का है? हाँ, ये लेबल तो हमारे ही दुकान का है। ये शर्ट किसकी है बता सकते हो? हाँ, ये शर्ट करीब 3-4 महीने पहले बनाई थी हमने। मिला? मिल गया, ये देखिए, ये शर्ट गंगू की है। गंगू? क्या है? जरा दरवाजा खोलिए। हाँ,
क्या बात है? ये कंगू का घर है। हाँ, मगर आप लोग कौन है? जी, ये लोग मेरे पास दुकान पर आए थे, मैं इन्हें यहाँ लेकर आया हूँ। हम लोग सीआईडी से हैं, आपको एक बुरी खबर देनी है। बुरी खबर? जी, कंगू की मौत हो गई है। क्या? क्या ये शर्ट मिली है उसकी? अगर ये क्या कह रहे हैं आप? गंगू, जरा बाहर तो आना, ये कुछ लोग आए कह रहे हैं कि तुम्हारी मौत हो गई है। गंगू जिंदा है? हाँ, टॉयलेट में है। क्या बात है? तुम गंगू हो? हाँ जी। इस शर्ट को पहचानते हो? तू अंदर जा। क्या बात है? अरे तू अंदर जाना, ये तेरी शर्ट है ना? हाँ साहब। जिस आदमी ने ये शर्ट पहनी थी वो एक बम एक्सप्लोजन में मारा गया है। उसके हाथ में बॉम्ब था। बॉम्ब? हाँ बॉम्ब, जो गलती से फट गया। अब ये बता, तेरी शर्ट उस आदमी के शरीर पे कैसे पहुंची? कुछ याद नहीं आ रहा है साहब, शायद उसने चुरा ली होगी। अरे तुझे कुछ याद नहीं आ रहा है? याद नहीं आ रहा है? आगे आगे सोच बंद रखना है, समझे? ये क्या कर रहे हैं आप? अरे छोड़ दो इसे। तो आप ही पूछ रहे इससे कि शर्ट किसके पास थी? किसके पास थी? अरे जय ने ली थी। देखा, अब याद आ गया ना, ये जय कौन है? मेरा दोस्त है साहब, एक हफ्ते पहले उसने ये शर्ट मांग ली थी मेरे से। अच्छा, तो दोनों मिले हुए हो हैं? जय कहाँ जा रहा था बम फोड़ने के लिए? मुझे नहीं मालूम साहब। झूठ बोलता है? हैं? कहाँ बना था? अरे साहब, बम। अरे ये कहाँ जा रहे हैं आप? यहाँ कोई बम नहीं बनता। साहब जी, मैं जाऊँ दुकान में, मुझे और भी बहुत सा काम है साहब जी, मैं जाऊँ। सुनो जी, किसी से कुछ बताना नहीं। जी साहब जी। रुको एक मिनट, तुम इधर आओ, इधर आओ, एक विटनेस चाहिए, तुम्हारा स्टेटमेंट लेना है। साहब जी, मुझे क्यों इस झमेले में? देखिए ना, मैं तो सिर्फ समझा कि वो मर गया, उसका घर दिखाने के लिए आपके साथ। क्या तो नहीं है कुछ? मैं तो पहले से ही कह रही थी कि यहाँ कुछ भी नहीं है। चल, वो जगह दिखा जहाँ तुम लोग बम बनाते हो, एक के बाद एक बम फट रहे हैं। अरे साहब, मुझे तो बम के बारे में कुछ भी मालूम नहीं है, मैं तो एक फिल्म कंपनी में काम करता हूँ। फिल्म कंपनी में? कहाँ, किस कंपनी में? प्रोड्यूसर विपिन कुमार की कंपनी में। विपिन कुमार? क्या प्रोड्यूसर विपिन के साथ? अब तो ये मामला गहरा होते जा रहा है। जिस आदमी का शर्ट मुर्दे के शरीर पे से मिला, वो आदमी प्रोड्यूसर विपिन के लिए काम करता है? जी हाँ सर, मैं सामने की तरफ गाड़ी पार्क करके बैठी हूँ। जी सर, लगातार देख रही हूँ मैं मोहिनी को। सर, एक और गाड़ी आके स्लो हो गई। ओ, मोहिनी की गाड़ी के आगे पार्क हो गई सर। लाल रंग की गाड़ी है, कोई उतर रहा है सर। सर, यू वोंट बिलीव इट सर, उस गाड़ी से हीरोइन उतरी है, रंजना। हो, वो भी मोबाइल पे बात कर रही है सर। सर वो चल पड़ी है उसी गाड़ी की तरफ जिस गाड़ी में मोहिनी बैठी है सर। और सर रंजन अभी उसी गाड़ी में बैठ गई जिसमें मोहिनी बैठी है। सर, बहुत बड़ी गड़बड़ लगती है सर, कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है। ठीक है सर, मैं जाके देखती हूँ। कौन है आप? प्रोड्यूसर विपिन कुमार। प्रोड्यूसर विपिन कुमार? वो हीरोइन रंजना, पहले तो आपके नाम से कांप रही थी और अब हस्या से आपसे मिलने चली आई। हम लोग उसे आपसे बचाने में लगे हुए हैं, उसके घर के बाहर एक कांस्टेबल खड़ा है और वो चुपके से आप लोगों से मिलने चली आती है। एनीवे, आप किसी गंगू नाम के आदमी को जानते हैं?
ये सब जय का घर। ताला लगा हुआ है, तोड़ देते। साहब मैं जाऊं अब? साहब नहीं, तुम यहीं रुको। देखिए साहब, मैंने सिर्फ इसका शर्ट सिला था, अब ये शर्ट कहां कहां घूमेगा मुझे क्या मालूम साहब। देखो तुम्हें कुछ नहीं होगा, समझे? देखिए बॉम्ब बनाने का सामान मिलता है। पर्स? ये क्या पर्स बेचने का धंधा करता था? हाँ गंगू, तुम्हें मालूम है ये पर्स का बिजनेस करता था? नहीं साहब। साहब वो पर्स छीनने का धंधा करता था। मतलब बैग स्नैचर था, तुम्हें मालूम था? नहीं। हाँ हाँ साहब, वो औरतों का पर्स छीन कर भागता था। हाँ तो विपिन जी, मैं आपसे ये पूछ रहा था कि आपने गंगू का नाम सुना है? गंगू? हाँ गंगू। गंगू ये नाम मैंने पहले कभी नहीं सुना सर। कमाल है, आपने नहीं सुना मगर उसने आपका नाम सुना है। उसी ने हमें बताया कि वो आपकी यूनिट में काम करता है। मतलब वो? हाँ वो पकड़ा जा चुका है। यही नहीं, जो आदमी दूसरे ब्लास्ट में मरा है उसने गंगू की ही शर्ट पहनी हुई थी। वो दोनों शायद आपके लिए बॉम्ब बनाया करते थे। सर इस बम से मेरा कोई मतलब नहीं है। अब 60-70 आदमी मेरे यूनिट में काम करते हैं, अब कौन घर पर क्या करता है उससे मेरा क्या मतलब हो सकता है सर? हाँ सर, एक मिनट। अच्छा सर, कंप्यूटर पे ये बैग स्नेचर्स की फाइल खोलो, बैग छीनने वालों का रिकॉर्ड चेक करो, देखो किसी जय नाम के आदमी का रिकॉर्ड है क्या हमारे पास? यस सर। सर आप जरा इस कमरे में बैठिए, सुधाकर इन्हें अंदर बिठाओ। आइए आइए। क्या हुआ? सर गंगू का दोस्त तो बैग स्नेचर निकला सर। बैग स्नेचर? यस सर। इसका मतलब गंगू भी बैग स्नेचर है? नहीं सर, गंगू नहीं है। तो फिर वो गंगू की शर्ट पहनकर कैसे मरा? आप इस शर्ट को पहचानते? नहीं सर, किसकी है? लो, मैं आपसे पूछ रहा हूं ये शर्ट किसकी है और आप मुझसे पूछ रहे हैं किसकी है? आप जय नाम के किसी आदमी को जानते हैं? नहीं सर। सुधाकर इन पर ध्यान रखो, दरवाजा बंद कर लो, गंगू को लेके आओ। गंगू हमारे साथ आओ। इसे पहचानते हो? कहीं देखा है सर। अरे साहब, अरे साहब आपके लिए इतने दिन काम किया, आप मुझे नहीं पहचान रहे हो? आप आपस के झगड़े में मुझे क्यों बिना बात में बता रहे हैं? मैं नहीं। छोड़ साहब के पैर छोड़। अरे सर जबरदस्ती इनका काम क्यों ले रहा है? छोड़ ना। साहब जय का रिकॉर्ड मिल गया है। ओ, तो ये है वो, इसे पहचानते हो? जी हाँ। कौन है ये? जय है। ये जय ही है ना? जी साहब। जाओ इसे वहीं बिठाओ उसी कमरे में। यस सर। चलो।
क्या क्या लिखा है इसके रिकॉर्ड में जरा देखें तो। बैग स्नैचिंग के जुर्म में 3 बार जेल जा चुका है और इसके पास से कभी कोई हथियार नहीं मिला है। फिर भी ये आदमी बैग में बॉम्ब लेके जा रहा था। सर वो आदमी जो पहले मरा है कहीं वो भी इसी बैग छीनने के धंधे में तो नहीं लगा हुआ था? हम अगर पता लगाएंगे कैसे, फोटो में तो सिर्फ एक ही आंख है। सर अगर हम उस फोटो को उल्टा करके फिर से उसी फोटो पे चिपकाएंगे तो हमें 2 आंखें मिल जाएंगी। जरा देखें कैसे। अच्छा जरा एक मिनट। सर हमारे रिकॉर्ड्स में जितने भी बैग स्नैचर्स के फोटोज हैं हम इन आंखों को उनके ऊपर चिपका के देखते हैं सर। हाँ देखो, जो आदमी हाथ में बॉम्ब लेके जा रहा था वो कोई शरीफ आदमी तो होगा ही नहीं, उसका कोई ना कोई कहीं ना कहीं रिकॉर्ड तो होना ही चाहिए। नो। तुझे शर्ट इसलिए मालूम नहीं कि दूसरों को भागता क्या? साहब ने कहा है कि मुझे क्या पता था ये लोग मुझ तक पहुंच जाएंगे। मिल गया सर, मैच हो गया। यस फैंटास्टिक। सर इसका नाम सुधीर है और ये भी एक बैग स्नैचर है। सर इसका मतलब ये सब लोग जो मरे हैं ये सब सड़क पर औरतों के बैग छीनते थे। ये देखो बॉम्ब ऐसे फटा और जिस तरह से जय और उसके साथी के चेहरे और हाथ उड़े उससे लगता है कि दोनों मुंह नीचे करके कुछ देख रहे थे। शायद बैग था मगर उन्हें यह मालूम नहीं था कि बैग में एक बॉम्ब है। जैसे ही उन्होंने बैग खोला बॉम्ब फट गया होगा। मतलब सर बॉम्ब इन लोगों ने नहीं बनाया? नहीं। और सर बॉम्ब भी एक छोटा बॉम्ब है सर जो आसानी से एक बैग में आ जाता है। सर पहला बॉम्ब फटा 7 तारीख को, दूसरा 14 तारीख को। 2 अलग अलग दिन 2 अलग अलग आदमियों ने 2 बैग छीने और दोनों ही फट गए। मतलब दोनों ही बैग में बॉम्ब था। टू मच ऑफ अ कोइंसिडेंस। हाँ सर, एक औरत के पर्स में से बॉम्ब निकला ये बात मान भी सकते हैं मगर 7 दिन के बाद सैकड़ों औरतों में से किसी एक औरत का बैग छीना गया, वो बैग भी फट गया, ये बात जरा मुश्किल लगती है सर। इसका मतलब ये संयोग नहीं है, ये बाई चांस नहीं हुआ है, ये दोनों औरतें एक ही है। पर ये कर क्या रही है सर? एक बात और है सर, दोनों बॉम्ब बापट नगर में ही फटे हैं। इंस्पेक्टर दया, CID ब्यूरो। जी जी। ओह नो, कहां पे? खबर देने के लिए थैंक्स, थैंक्स अ लॉट। सर एक और बॉम्ब फट गया है बापट नगर में, सेम कंडीशन, हाथ और मुंह दोनों उड़ गए हैं। फिर से वही, हर बार चेहरा गायब और हाथ भी गायब। समझ में नहीं आता ये लोग बॉम्ब हाथ में लेकर क्यों मर रहे हैं। सर एक और धमाका हो गया तो लोगों को जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। सर हाँ, ये देखिए एक लेडीज हैंडबैग का टुकड़ा, ये आदमी भी चोर होगा सर। सर इस आदमी ने एक बुढ़िया को देखा है। करंदीकर आज कुछ भी हो जाए तू जो चाहे कर मगर जब तक उस बुढ़िया का स्केच तैयार नहीं हो जाता तू यहां से हिलना नहीं, समझे? ओके सर। आप बताएंगे तुमने क्या देखा? देखिए साहब मैं तो अपने दुकान में बैठा था, अचानक एक औरत की चिल्लाने की आवाज आई, मैं बाहर आया देखने के लिए कि क्या बात है। फिर से सड़क के बीच में एक औरत चिल्ला रही थी, बूढ़ी औरत, और दूर एक आदमी भागा जा रहा था और अचानक वो औरत उसके पीछे भागने लगी। भागने लगी? हाँ बिल्कुल, एक जवान औरत की तरह भाग रही थी वो। एक जवान औरत की तरह? हाँ, मैंने सोचा कि भागकर वो आदमी को पकड़ लेगी मगर वो रास्ते में एक ऑटो में बैठकर दूसरी तरफ चली गई। वो आदमी इस तरफ भागा और इस तरफ गई। अच्छा जरा उस बुढ़िया के बारे में बताइए। उसके बाल सफेद थे और वो जो सोडा बॉटल का चश्मा होता है ना वो उसने पहना हुआ था। करंदीकर तुम स्केच बनाना शुरू करो। वेरी स्ट्रेंज, वो रिक्शा में बैठी मगर उस आदमी के पीछे नहीं गई। पहली बार हमें पता चला है कि जहां पे ब्लास्ट हुआ वहां पे एक बूढ़ी औरत थी और ये लेडीज बैग का बचा हुआ टुकड़ा जो हमें मिला है उससे मामला थोड़ा साफ हो गया है। और सर पहला ब्लास्ट हुआ 7 तारीख को,
दूसरा 14 तारीख को और तीसरा ये अब 21 तारीख को। हर 7 दिन में ये होता है सर। हाँ, हर 7 दिन में। सर ये 7, 14, 21 तीनों दिन बुधवार हैं सर। सर ये ब्लास्ट बुधवार को ही होता है और शायद अगला ब्लास्ट 28 तारीख को होगा, अगले बुधवार को। इसका मतलब ये कुछ ऐसे पिक्चर बनती है कि हर बुधवार की रात को बापट नगर में एक औरत निकलती है, बूढ़ी औरत, उसके हाथ में एक पर्स है और पर्स में एक बॉम्ब भरा हुआ है। और सर वो जानबूझकर ऐसी जगह जाती है जहां सुनसान है, उसे अकेला देखकर कोई उसका पर्स छीनता है, आगे जाके मर जाता है और वो अपने घर भाग जाती है। पर सर अगर उसे लोगों को मारना ही है तो वो किसी और दिन भी मार सकती है, सिर्फ बुधवार को ही क्यों कर रही है ये सब? या तो सर वो एक एक करके सड़क पे से गुनेगारों को साफ कर रही है। मगर सिर्फ बैग स्नैचर्स को ही क्यों, औरों को क्यों नहीं? और भी तो गुनेगार हैं। तुम लोग एक काम करो, बापट नगर पुलिस स्टेशन में जाके रिकॉर्ड्स देखो, पिछले साल के सारे रिकॉर्ड्स चेक करो। बापट नगर में बुधवार को कुछ हुआ है, वो औरत, बैग स्नैचिंग, बुधवार, इन तीनों चीजों को मिक्स करके देखो, जरूर कुछ हुआ है वहां पे। सर ये ऐसी दिखती है। हाँ सर ये देखिए, ये एक बड़ी घटना हुई थी बुधवार को, करीब एक साल पहले। बाकी छोटी मोटी घटनाएं तो होते ही रहती हैं, पर ये एक बड़ी घटना हुई थी, शायद इसका कुछ कनेक्शन हो। क्या है देखें जरा। ये देखिए सर, ध्रुव नाम का एक आदमी अपनी पत्नी के साथ सड़क पर जा रहा था कि अचानक कोई उसकी वाइफ का पर्स छीन कर भागा। ध्रुव ने भाग के उसको पकड़ लिया, पर वो लोग 2-3 थे। उन्होंने ध्रुव को इतना मारा रॉड वगैरह से कि बेचारा 4 महीने तक हॉस्पिटल में पड़ा रहा और उसके बाद लौटा तो व्हील चेयर पर, जिंदगी भर के लिए अपाहिज हो चुका था, क्रिपल्ड। वेरी सैड। वो लोग पकड़े नहीं गए? नहीं सर, वो लोग तो मिले ही नहीं। अच्छा ये आदमी करता क्या था ध्रुव? ये केमिकल इंजीनियर था सर। केमिकल इंजीनियर था, इसीलिए तो बम बना सका। देखा ना तुमने न्यूज़पेपर में क्या लिखा है, लूटने वाले लोगों में यह बात फैल गई है कि किसी भी बूढ़ी औरत को मत लूटना। बदमाश लोग बापट नगर का एरिया छोड़कर भागे चले जा रहे हैं। एक सफेद बाल वाली बूढ़ी औरत के नाम से सब चोर कांप रहे हैं। लोगों को अगले बुधवार का इंतजार है, आज का। अगर लोगों को बुधवार का इंतजार है तो पुलिस को भी होगा ही ना, है ना? मैं आज पकड़ी जाऊंगी। मैं तो कह रही हूं ध्रुव, प्लीज ये सब रोक दो, प्लीज ये सब रोक दो। नहीं, जब तक एक एक बैग छीनने वाले को मैं खत्म नहीं कर दूंगा तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। मगर ध्रुव मैं और लोगों को नहीं मार सकती मैं। मतलब सड़क पे वो बदमाश लोग आराम से घूमते रहेंगे? मेरा क्या हाल बना दिया है उन्होंने, मैं चल भी नहीं सकता हूं। देखो ध्रुव, हम है ना कहीं और चले जाते हैं, नहीं तो पुलिस हमें कभी भी पकड़ लेगी। ध्रुव मैं दूसरे शहर में काम ढूंढ लूंगी ना। देखो ध्रुव, तुम एक बार इस शहर से निकल जाओगे ना तो आहिस्ता आहिस्ता इसके बारे में सब भूल जाओगे। हाँ ठीक है ना ध्रुव? ध्रुव प्लीज प्लीज। ठीक है सर। वो आदमी केमिकल इंजीनियर है, मतलब चाहे तो बम बना सकता है। शायद वो बुढ़िया इसी घर में से मिल जाए।
इसी घर में से। अगर वो हमारे पहुंचने से पहले निकल गई हो तो कह नहीं सकते। मैं इस बुढ़े का नाम और निशानी मिटा दूंगी, फिर पुलिस उस सफेद बाल वाली को ही ढूंढेगी। ये लो पर्स, इसमें बॉम्ब है, संभाल के रखना इसे। आप क्यों चाहिए? रख लो साथ में, शायद जरूरत पड़ जाए। ठीक है, चलो मैं पहले तुम्हें दरवाजे के बाहर तक छोड़ देती हूँ, फिर मैं सामान लेने आ जाऊंगी। ठीक है। ये पुलिस इतनी जल्दी कैसे पहुंच गई? अब क्या करें? तुम पर्स हाथ में ले लो। 14 ये सर, सर वो जो अंदर भागी है इतनी तेजी से वही होगी सर, आदमी तो व्हीलचेयर पे है। हाँ। दरवाजा खोलो सीआईडी, दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो, तोड़ दो दरवाजा। तो तुम वो औरत हो जो चार लोगों को मार चुकी है? वो सब लोग लुटेरे थे, चोर थे, उनका मरना ही अच्छा था, एक एक करके मैं सबको खत्म कर देता। खैर अब तो मुश्किल है, अब तो तुम लोग गिरफ्तार हो जाओगे। नहीं, मैं जेल नहीं जाऊंगी, आगे मत पढ़ना। हाँ हम जेल नहीं जाएंगे। देखो देखो ये बैग हमें दे दो। नहीं, मैं तोड़ दूंगी। देखो मुझे पता है तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ है, मगर बुरा हुआ है, मैं अपाहिज हो गया हूं। हाँ। तुम लोग उन्हें पकड़ने की बजाय हमें गिरफ्तार करने के लिए आ गए हो। हाँ। ये बैग हमें दे दो। नहीं, मैं नहीं दूंगी। तुम पर्स खोल दो। नहीं नहीं नहीं, देखो बम फोड़ दो गायत्री। नहीं नहीं, मैं कहता हूँ बम फोड़ दो गायत्री। देखो नहीं, देखो फोड़ दो बम। नहीं देखो, खोल दो पर्स, खोल दो गायत्री। नहीं खोल दो। नहीं देखो, नहीं For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.